अगस्त 2019 को जब यहाँ पे फरमान निकला था ट्रैवल एडवाइजरी का, और जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट थे जिनको ये कहा गया कि आप अपने अपनी रियासतों में वापस चले जाइए, और 5 तारीख को जिस तरह एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A हुआ, उसके बाद पूरी वादी वो लॉकडाउन में चली गई और ये सिलसिला फरवरी तक जारी रहा। फरवरी के बाद अगर कोई कमी रही गई थी तो वो कोविड की वजह से पूरी हो गई, और कोविड की वजह से सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई है, और ख़ासकर जो शोबा शयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई, ऐसे समझ लीजिए। जैसे हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जो ट्रस्ट है उन्होंने फूड पैकेट्स दिए, जो हमारे हमारा कश्मीर हाउसबोट एसोसिएशन का ट्रस्ट है उसने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह मैं कहूँगा कि कॉम्प्रहेंसिव लेवल तक जो हमारे नौजवान हैं वो सामने आए, जो बाहर हमारे नौजवान हैं जो बाकी ममालिकों में बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने इस ट्रस्ट को कश्मीर हाउसबोट ऑनर्स ट्रस्ट को पैसा भेजा, उसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे ट्रस्ट चलाने वाले हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, चाहे नकदी में किया या फिर फूड पैकेट से, हर महीना वो हमें फूड पैकेट्स दिया करते थे जिसमें चावल भी होते थे, तेल भी, जो भी जरूरत जिंदगी के सामान होते हैं, उस तरह से आज तक ये सिलसिला जारी है और अभी भी जारी रहेगा। हाउस बोट एक फ्रेंचाइज यूनिट है और ये सारा का सारा जो है ये लकड़ का बनाया होता है, इस तरह से हमें हर साल इसको कॉकलिंग करनी पड़ती है जिसके लिए तकरीबन 50 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। चूंकि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रुजू की थी और यहाँ के जो रियासती इंतजामिया है एलजी साहब है जो भी बड़े बड़े अफसरान है या हमारे डायरेक्टरेट जो है उनसे भी हमने रब्ता किया, हमारे एसोसिएशन में रब्ता किया, लेकिन आज तक हमारे जो वो ग्रीवेंस थे या जो हमारे जो मुतालबात थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। हमने उनको ये भी कहा था कि हमें सिर्फ इस हाउस बोट को, इस यूनिट को बचाने के लिए आप कॉकलिंग के लिए कुछ ऐसा पैकेज का ऐलान करिएगा जिससे ये यूनिट अगले फ्यूचर में मुस्तकबिल में जिंदा रह सकता है, क्योंकि अभी मौसम सरमा भी आने वाला है, बारिश भी होगी, और जैसे आपने देखा पिछली बार 5 हाउस बोट जो है चाहे डल झील में है, निगीन में है या रिवर जहली में, वो डूब गए थे, और रीजन और वजह इसकी यही थी कि कॉकलिंग पूरी तरह उन खत्म हो चुकी थी। अभी जैसे सरवाई हाउस बोट कर रहे हैं तो जिनके बच्ची कुछ या कॉकलिंग बची है वहां पे मजबूत है अभी तो वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जिनका खत्म हो चुका है वो अभी सीमेंट से ही काम चलाते हैं, लेकिन ये भी काफी नहीं है क्योंकि जब भी बर्फ होगी, मैं आपको प्रिडिक्शन करता हूं कि जो ही बर्फ होगी, बर्फबारी होगी वादी में, तो आप देख लेंगे न जाने कितने हाउस बोट डूब जाएंगे। मेरी तो हमेशा यही गुजारिश रही है मरकजी सरकार से भी और यहाँ के इंतजामिया से भी कि देखिए जिस तरह हिंदुस्तान की शान जम्मू एंड कश्मीर है, इसी तरह इस जम्मू कश्मीर की जो शान है, हेरिटेज जिसको कहे या आइकॉन जिसको कहे, वो हाउस बोट है। तो अगर टूरिज्म को, जब से टूरिज्म जम्मू कश्मीर में वजूद में आ चुका है तब से लेकर आज तक, अगर उस टूरिज्म को जिंदा रखा है या उस शमा को जलाते रखा है हम, तो वो हाउस बोट कम्युनिटी है जिन्होंने भरपूर 90 के दहाई में भी जिंदा रखा है टूरिज्म। तो गुजारिश है मरकजी हुकूमत से और यहाँ की रियासत के इंतजामिया से कि हमें भरपूर सपोर्ट करें, एक ऐसा सॉफ्ट पैकेज हमें का ऐलान करें जिससे हम अपने इस यूनिट को आगे ले जाके जिंदा रखें, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ही ये कोविड की जो महामारी है ये खत्म हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूट जाएंगे इतने यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, लेकिन अगर हमारे हाउस बोट उस चीज को विटनेस करने में नाकामयाब हो जाएगी, क्योंकि जब यूनिट रहेगा ही नहीं तो बलक से अगर उस टाइम यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे भी तो हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं होगी। वो तो जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे लिए एक ऐसा इकोनॉमिकल पैकेज ऐलान करना होगा जिससे हम इस हाउस बोट को जिंदा रख सकते हैं।